नई दिल्ली में बाबू जगजीवन राम जी के 52वें राष्ट्रीय विजय दिवस के अवसर पर मुंबई के डोंबिवली के प्रसिद्ध व्यवसायी और प्रसिद्ध खर्डीकर क्लासेस के संस्थापक जिनके दुनिया भर में छात्र हैं डॉक्टर सुनील गणपत खर्डीकर को पूर्व सांसद अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा महात्मा फुले राष्ट्रीय सम्मान पदक से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वीकारते हुए मीरा कुमार ने उनके शैक्षणिक कार्यों की सराहना की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सुनील खर्डीकर खर्डीकर क्लासेस के संस्थापक हैं और उन्होंने अब तक 18,000 से अधिक छात्रों का भविष्य संवारा है। मुश्किल से उंगलियों पर गिने जा सकने वाले छात्रों के साथ शुरू हुई खर्डीकर क्लासेस अब महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों और विदेश में दुबई तक पहुंच गई है। विदेशों से भी छात्र ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से खर्डीकर क्लासेस में पढ़ रहे और सफलता हासिल कर रहे हैं। इन सभी मामलों पर विचार करते हुए डॉक्टर सुनील खर्डीकर को राजेंद्र भवन ट्रस्ट और जगजीवन राम कला संस्कृति एवं साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सुनील खर्डीकर ने इसके लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। सामाजिक कार्य के लिए संगीता खर्डीकर जी को भी सम्मान पदक देकर उनकी सराहना की। इसी प्रकार अहमदनगर जिले में बाबू जगजीवन दास सम्मान पुरस्कार बाला साहेब थोरात के संपर्क प्रमुख मामा पगारे को दिया गया। बाबू जगजीवन दास सम्मान पुरस्कार शिक्षा तज्ञ जनार्दन सावरकर को दिया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार ठाणे जिले के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप धनगावकर को दिया गया। महाराष्ट्र समाचार के मुख्य संपादक युवराज सुरले को महात्मा पुरस्कार दिया गया। ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय सम्मान पदक महाराष्ट्र समाचार संपादक अमृता पाटनकर को सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया।